हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आई एम हियर विथ पार्ट टू ऑफ बिहार एस आई एग्ज़ाम। तो इसका मैं आपको 26 से लेके 50 तक का भी क्वेश्चन बताऊंगा और इसका आंसर भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने 1 से 25 तक बता दिया था और ये दूसरे पार्ट का है 26 से 50 तक। तो 26वां क्वेश्चन था वो कैपिटल ऑफ महाजनपद, वो मैच करने को बोला गया था। इसमें अंग का चंपा होगा, काशी का बनारस, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन था ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन निकलता है, यूएनईपी। इसका अगला क्वेश्चन है आर्म्ड रिवेलियन वाज एडेड बाय, 44वां अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1978 में। 29वां क्वेश्चन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब होता है, ये 29 जनवरी को होता है, ये हर साल होता है 29 जनवरी को। 30वां था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। 31वां क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 1949 में साइन किया गया था, जो भी मेंबर्स थे, डेलीगेट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओल्डेस्ट पीरियड पूछा गया था, ये आर्कियन होगा, हैडियन से शुरू होता है, दूसरा आर्कियन होता है, तो आर्कियन उसमें एक ऑप्शन दे रखा था, बाकी सब इसके बाद वाले पीरियड ऑप्शन दे रखे थे। अगला क्वेश्चन है साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। फिर इंग्लैंड ओपन 2019 मेंस का फाइनलिस्ट पूछा गया था, कौन जीता है फाइनल, तो जापान का केंटो मोमोटा। अगला है 35वां क्वेश्चन था जस्कर रेंज, ये ट्रांस हिमालय में आता है। फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये 36वां नंबर क्वेश्चन है, ये 1792 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पशुपति सील जो है, इसमें कौन से एनिमल का इमेज पिक्चर उसमें नहीं था, तो एक काऊ का उसमें नहीं था, वो पूछा गया था कौन सा, अगर नहीं था तो काऊ होगा आंसर। 38वां क्वेश्चन है नतांकी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में है। फिर 39वां था एक इंडियन इलेक्शन एवरी वोट काउंट्स, ये नवीन चावला के द्वारा बुक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 था ये स्टीफन आइट और किससे रिलेटेड है, ये सिल्वर से। फिर 41वां क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि कौन सा बुक जो है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से कौन सा बुक हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, तो हर्षचरित बुक, ये हर्षवर्धन ने लिखा है, बानभट्ट ने लिखा है। मृणाल सेन, ये किससे रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर 43वां में ये मैच द फॉलोइंग दिया गया था, कल्प का रिचुअल होगा, छंद का मीटर, पोएट्रिक मीटर होगा, निरुक्ता का एटिमोलॉजी होगा और शिक्षा का फोनेटिक्स होगा। अगला क्वेश्चन है ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दिया गया था बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को, ये सीतामढ़ी होगा पहले नॉर्थ, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद गया। फिर 45वां क्वेश्चन था क्वांटम थ्योरी ऑफ साइंस, ये किसने ये दिया था क्वांटम थ्योरी ऑफ साइंस, तो आंसर होगा मैक्स प्लैंक। अगला क्वेश्चन है 46वां कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान कहाँ था, तो मैसूर में श्रीरंगपट्टनम था। 47वां क्वेश्चन था ज्ञानपीठ अवार्ड 2018, ये अमिताभ घोष होगा, 17 का कृष्णा सोबती है। फिर 48वां था एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किसने लिखा था वैदिक पीरियड में, तो ये विश्वामित्र होगा। फिर 50वां क्वेश्चन था कि ये स्कीम है वन फैमिली वन जॉब, ये स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, सिक्किम का है। तो इसमें हमने देखा है, इसमें 25 क्वेश्चन हमने देखा है, बाकी हमने आगे का क्वेश्चन जो है वो अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको, 51 से लेकर 75 तक, फिर उसके नेक्स्ट में 76 से 100। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं ये मतलब मीडियम लेवल मेडियोकर लेवल क्वेश्चन है, ना तो बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो कट ऑफ काम 100 क्वेश्चन डिस्कस करके तब फिर कट ऑफ का डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।